योद्धाओं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। आप एक ऐसी स्थिति में पहुंचे होंगे कि आपके आसपास के लोग, आपके दोस्त घूम फिर रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, और आपको भी मन कर रहा होगा कि मैं भी एंजॉय करूं। क्यों एक बंद कमरे में, एक कुर्सी में, बिना कोई रस के, जिसमें कोई मज़ा भी नहीं आ रहा है, वो काम करूँ। लेकिन याद रखना, आपका अभी का जो आप मेहनत कर रहे हो, वो अगले एक साल की भविष्य आप जो तय होगा उसका नींव रख रहे हो, वो आपका नींव है। आपको आसपास के लोग भटकाएंगे, लेकिन आपको भटकना नहीं है, स्टिक होके टारगेट को पूरा करना है। और जब तक टारगेट पूरा ना हो, टेबल से उठना ही नहीं है। और टारगेट का पूरा करने का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ एक बार पढ़ लो, चीज़ों को याद करना होता है। अब सिर्फ एक यूनिट केमिस्ट्री पढ़ने का मतलब, उसमें तो एक ही घंटा लगना है, लेकिन उसको 5 बार 10 बार पढ़ना है जब तक वो आपको याद नहीं होता है। और आज टेस्ट लिख लेना है अगले दिन, तो आपके ऊपर ये प्रेशर होना चाहिए कि कल मैं टेस्ट लिखूँगा, तो आज मेरे को ये यूनिट बहुत अच्छे से याद करना है। और मैं तो सिर्फ एक ही यूनिट पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ, आपको जब एक सब्जेक्ट पढ़ने की बात आएगी तो आप क्या करोगे? तो अभी आप उन लोगों से बहुत आगे बढ़ जाओगे जो आपके आसपास घूम फिर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। आप उनसे बहुत आगे बढ़ने के लिए अपनी सेक्रीफाइस कर रहे हो, तो वो फ्रूटफुल होगा, लेकिन एक लंबे समय के बाद, थोड़े समय में ये रिजल्ट नहीं दिखाएगा। इसी क्रम में आप आज केमिस्ट्री का टेस्ट लिखिए। आपने मैथ्स का यूनिट 1 रेशनल नंबर परिमेय संख्या को पढ़ा होगा, प्रैक्टिस किया होगा, अपने तरफ से जो भी एफर्ट लगाना होगा वो किया होगा। आज आपके उसके ऊपर क्वेश्चन मिले, जितना बनता है प्रैक्टिस करिए, अपने दिमाग को चलाइए, थोड़ा सा स्ट्रगल करिए उन क्वेश्चंस पे, देखिएगा कुछ बनेगा कुछ नहीं बनेगा। फिर जब मैं समझाऊंगा, कल इसके ऊपर आपको लेक्चर भी मिलेगा, कल लेक्चर मिलेगा, लेकिन आज आपको पहले उसको खुद से बनाना है। तो आज आप खुद से बनाइए, कल लेक्चर मिलेगा, एक मैथ्स की कॉपी बनाइएगा, मैथ्स की कॉपी बना के उसको एक आंसर में, उसको एक स्थाई कॉपी आपकी बन जानी चाहिए, तो मैथ्स के लिए फिर आपको कहीं भटकना ना पड़े, वो आपकी स्थाई कॉपी हो, वहीं से आपको पढ़ना है, ये सोच के मैथ्स की कॉपी बनाएंगे। कल संडे है, संडे का मतलब होता है रिविजन डे। तो आज अभी तक, आज से पहले कि 4 दिन में आपने जो भी पढ़ा है, आप अपने आप से पूछें कि आपने क्या पढ़ा है, उसको संडे को पूरा का पूरा रिवाइज करना है, पूरा रिवाइज करना है। कुछ नया चीज़ नहीं पढ़ना है संडे को, पूरा का पूरा बैठ के रिवीजन करना है, मतलब करना है, एक बार आपका पूरा चीज़ रिवाइज हो जाना चाहिए, ये होता है संडे। इसके बाद आपको मैं आज एक वीडियो मिलेगा जो इस वीक का करेंट अफेयर का मीन्स पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में करेंगे। हर वीक हम लोग इस तरीके से, मैं प्रयास करूँगा सैटरडे को, एक क्योंकि मेरा भी वीकेंड होता है तो मैं भी हॉलीडे मनाता हूँ, तो मैं उसको यूज़ करता हूँ आपके लेक्चर बनाने के लिए। तो पूरे सप्ताह में जो भी करंट अफेयर हुए हैं, जो हमारे सिलेबस के मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकते हैं, उसके क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में लेक्चर आएगा आपको सैटरडे को, आपको सुनना है। पॉसिबल हो तो ज़रूर लिखें, अपनी एक कॉपी बनाएं, और जो भी मैं बोलता हूँ उसको लिखने की कोशिश करेंगे। तो आपका ये मेंस की प्रैक्टिस, करंट अफेयर क्वेश्चंस होते जाते हैं, जो आप, मैं आपको बोल रहा हूँ द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस और क्रेजी जी के ट्रिक का पर डे करंट अफेयर आपको पढ़ना है। नेक्स्ट वीक हम लोग प्रयास करेंगे जनमन मैगजीन के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, तो एक जनमन मैगजीन की भी क्लास होंगी, प्रॉपर मैं बताऊँगा कि वहाँ से कैसे चीज़ों को निकालना है, तो ये भी हमारी क्लास में इंक्लूड रहेगा। जो टारगेट का लिस्ट मिला है उसको देखिए, और उसको कैसे प्लान करना है अपने हिसाब से प्लान करिए। हिंदी का क्वेश्चन आप लिखिए, अपनी कॉपी खोलिए, पहला विलोम शब्द लिखिए, कृपण, कोप, क्रोध, क्षणिक, क्षुद्र, खरीद, खेद, गरल, गहरा, गौरव, ग्रस्त, ग्रहण, चंचल, जागरण, ज्ञानी, ज्येष्ठ, ज्योति, चिरंतन, चिरंतन, जंगम, ठप, टाट, टुकड़ा, डराना, डूबना, ढकना, तर, तर्क, तामसिक, तिमिर, ये आपका विलोम शब्द हो गया।
दो पेज पढ़ा था, संडे को क्या करना है, नया दो पेज मत ट्राई करना, अभी तक जो भी आपने पढ़ा है वो संडे को फिर से रिवाइज करना है, यही आपका टारगेट होगा संडे के लिए। नया कोई टारगेट मैं नहीं देता हूँ संडे को। आप फिर आप पढ़ें तद्भव तत्सम में, पहला लिखना तत्सम, तद्भव बता रहा हूँ उसका आपको तत्सम लिखना है। पहला आप लिखेंगे तुरंत, दूसरा त्वरित, गलत हो गया, तुरंत, दूसरा है तलवार, तीसरा है तीजा, फिर दोना, फिर दाद, फिर दाढ़, दाढ़ी, दुपट्टा, दुपहरी, दिया सलाई, धुआं, नाती, नस, नाई, नेवला, नेवता, पलंग, परख, पतोहू, पतोहू। फिर लिखना तत्सम बता रहा हूँ उसका तद्भव आपको लिखना है। पहला है पत्रिका, पार्श्व, पटल, पल्लव, प्रश्विन्न, पानीय, पंक्ति, प्रतिवेश, फुफ्फुस, स्फटिक, स्फूर्ति, स्फुटन, स्फुटन, स्पोट, स्पोट, भगिनी, वत्स, वत्स, वर्धकी, वर्तक, वर्धन, वंश, वासगृह, बलिवर्द, विकार, वंशी, भद्रक, भातृव्य, भातृव्य, भागिनेय, भल्लुक, भल्लुक। तो ये आपका तत्सम तद्भव का ये हो गया टारगेट। मैं आप लोग जो ग्रुप में ज़्यादा डिस्कशन ना करना, मैं ग्रुप में ज़्यादा डिस्कशन अलाउ नहीं करता हूँ। आप लोग जो भी कुछ पूछना हो मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हो। हम लोग अभी नेक्स्ट वीक से ग्रुप डिस्कशन भी इसमें स्टार्ट करेंगे, एक बार जब सारा एडमिशन का प्रोसेस ख़त्म हो जाए हम लोग ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। जो भी चीज़ें रहती हैं एक वीक में प्रयास आप ही पर डे भी आप कर सकते हैं, मेरी अनुपस्थिति में भी आप अपने आसपास के मतलब आपस में ही, जैसे आपने एक स्टूडेंट ने आइडिया दिया है कि तत्सम तद्भव हिंदी या कुछ जो याद करने के टॉपिक होते हैं, आप लोग आपस में गूगल मीट करोगे, हमारे प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के बाद जो भी इच्छुक होंगे उसमें शामिल होकर आपस में ही एक दूसरे से पूछ पूछ के ये आप हिंदी का चीज़ों को याद करने की कोशिश कर सकते हो। इसके दो बेनिफिट होते हैं, एक बार जब आप पूछते हो तो आपका दिमाग एक हिट करता है तो चीज़ें जल्दी याद होती है, और दूसरा पर डे आप एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में होगे, आप देखोगे अपने आसपास के लोगों को कि ये इतना मेहनत कर रहा है मैं इतना मेहनत नहीं कर रहा हूँ, तो आपको एक मेंटल प्रेशर भी बनता रहेगा पर डे कि आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें भी हम लोग करेंगे, तो ये भी अगले वीक से करेंगे। तो चीज़ें आप अभी थोड़ा सा रिलैक्स होकर चलो, नेक्स्ट वीक से बहुत सारी चीज़ें एक्टिव हो जाएंगी। तो सेहत का ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए, मिलेंगे कल, नहीं संडे को है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करना है संडे को। मेरा वीडियो संडे को नहीं आएगा, मंडे को आएगा, आपको मैं मंडे को पूछूंगा कि आपने क्या किया, तो आपके अंदर ये प्रेशर होना चाहिए संडे को बहुत अच्छे से यूज़ करना है और करना है, ठीक है। कल मिलेंगे, परसों मिलेंगे नए टारगेट के साथ। थैंक यू।